नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग और आज है शुक्रवार। होपफुली वीडियो फ्राइडे को बाहर आए। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि वीडियो की टारगेट ऑडियंस क्या है, किन लोगों को हेल्प करेगी। तो आज की हमारी जो वीडियो है, इसका जो पहला पार्ट है ये सबको हेल्प करेगी, दूसरा पार्ट है वो मोस्टली कम्पिटेटिव बॉडी बिल्डर्स या नेचुरल बॉडी बिल्डर्स या फिर फिजिक मॉडल्स, मतलब कोई भी जो लोग इंसान अपनी फिजिक को फोटोशूट के लिए तैयार करते हैं उनके लिए, क्योंकि हम पीक वीक का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है उसे बोलते हैं कार्ब लोडिंग, और वो हम रोहित खत्री की वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहला पार्ट ये था, जब रोहित ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की थी अमेच्योर ओलंपिया के लिए, तो मेरे ख्याल से उनको बहुत हेट मिली थी, और हेट इसलिए मिली थी क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। आप लोगों ने कोई बॉक्सिंग मैचेस देखे? मैंने पहले भी बात करी है कि मतलब अगर आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो तो आप व्हाई शुडंट यू एम फॉर द विन। आप बॉक्सिंग मैचेस देखना, यूएफसी देखना, उसके पहले जब भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं दे गोइंग फॉर द विन, और वो बहुत कॉकी, बहुत एरोगेंट और बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो अपने आप पे भरोसा नहीं रखोगे तो कॉम्पिटिशन कैसे जीतोगे? कॉम्पिटिशन बहुत कट थ्रोट होता है। लेकिन वो मेन मुद्दा नहीं, मेन मुद्दा ये है कि अगर आप देखो पहले इतने सारे लोग उनके हेटर्स थे, अब वो हेटर्स प्यार में बदल गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो करो। आसपास के लोगों का ओपिनियन ना वो मौसम है, कभी भी बदल जाएगा। तो सबको रोहित को एक थैंक यू करना चाहिए ये प्रैक्टिकल लाइफ लेसन इंप्लीमेंट करने के लिए। दूसरी बात है कि पीक वीक जब करते हैं, खासकर जो कार्ब लोडिंग होती है, तो कार्ब लोडिंग में दो स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। ए, अगर आपको लगता है कि आप अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मस्कुलर हो तो आपको बहुत ज्यादा कार्ब लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर आपको एम होता है कि आप ज्यादा श्रेडेड आए। और बी, अगर आपको लगता है कि साइज उतना भी नहीं है, मैं कंपटीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लोगों के हिसाब से बात नहीं कर रहा, कंपटीशन के हिसाब से आपको लगता है साइज उतना नहीं, तो फुलनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो ताकि एटलीस्ट थोड़ा मस्कुलर ज्यादा फुल लगे, उसकी लुक भी अपनी आती है। लेकिन जजेस क्या देखते हैं वो हम कुछ कह नहीं सकते, दोनों का एक प्रॉपर मिक्सचर बैलेंस हो तो उसी पे प्लेसिंग्स होती हैं या जजिंग होती है। तो आइए देखते हैं रोहित ने पीक वीक के लिए क्या किया, और कॉमेंट्री करते हैं कि हम सीख क्या सकते हैं और रोहित बेटर क्या कर सकते थे। आ गया है जिसका मैं वेट कर रहा था। मैं पिछले एक महीने से सिर्फ प्रोटीन और फैट खा रहा था, कार्बोहाइड्रेट मेरी डाइट में नहीं थे। सिर्फ एक बार मैंने चीट मील ली थी, जो वो लीवर वाला एपिसोड था जब मेरे लीवर में दिक्कत आ गई थी, वो ठीक हो गया था, सर ने बोला था एक बार। अब प्रोटीन और फैट्स लेने से क्या होता है, जो हमारे मसल सेल्स होते हैं ना उनमें ग्लूकोज स्टोर होता है, लेकिन ग्लूकोज दे ही नहीं रहे तो मसल सेल्स डिफ्लेट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो पीक वीक के पहले ये चीज़ की जाता है ताकि आपका जो सारा मसल सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं, मोस्टली मसल सेल्स ज़्यादा, वो एकदम खाली हो जाएं ताकि उनको भरा जा सके जब ऊपर का बॉडी फैट सारा निकल गया। चीट मील ले ले, उसके बाद से मैंने बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं खाए, डायरेक्ट कार्ब्स जो होते हैं रोटी चावल ये सारी चीज़ें, शकरकंदी आलू। बट आज मैं पिछले चार दिनों से ना भाई यही वेट कर रहा था मेरी कार्ब लोडिंग कब स्टार्ट होगी, क्योंकि पिछले चार दिनों से मेरी बॉडी एकदम डिप्लीटेड स्टेट पर थी। डिप्लीटेड मतलब अगर आप डिप्लीटेड स्टेट में हो कि कोई कार्ब्स नहीं ले रहे तो मसल का साइज छोटा हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मसल चले गए, क्योंकि मसल एक टाइप का गुब्बारा होता है, गुब्बारा अंदर भरना होता है, तो अगर हवा नहीं है तो इसका मतलब मसल बेकार हो गया। तो कभी भी अगर आप डाइटिंग करते हो तो डोंट लेट दिस मेस अप विद योर हेड। बॉडी में ना तो बम्प था, मसल ऐसे श्रिंक लग रही थी जो कि होता है, एक्सट्रीम डिप्लीटेड करी है हमने बॉडी। सर ने बोला था जितना हम एक्सट्रीम लेवल पर बॉडी को डिप्लीट करेंगे उतनी अच्छी कार्ब लोडिंग होगी। तो आज मेरी पहली मील है कार्ब लोडिंग की, और आज की आप डाइट देख के ना आप बोलोगे भाई ये क्या हो रहा है। आज मेरे को ना तो कार्डियो करने जाना है, ना एब्स करने, ना किसी भी तरह का वर्कआउट करना है। आज सिर्फ मेरे को रेस्ट करना है और कार्ब लोडिंग करनी है। अभी सुबह भाई मैंने सोनिया को उठा दिया था और सोनिया ने मेरे लिए चावल और आलू बना दिए और दाल उबली हुई, यही है मेरी कार्ब लोडिंग। पर आप देखोगे कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि चावल बन जाए जल्दी, दाल तो बन गई है और मिला के उसे खाऊं। भाई मेरी पहली मील होगी है कार्ब लोडिंग की। पहले आप मेरी बॉडी की कंडीशन डिप्लीट स्टेट में देख लो कि कैसी है अभी, और देखना जरूरी होगा बिफोर और आफ्टर कितना चेंज होगा, डिफरेंस देख लेना, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर हमारी कार्ब लोडिंग चलेगी, अभी तो दिन है, अच्छे से कार्ब लोडिंग चलाएंगे, फिर मजा आएगा भाई कॉम्पिटिशन में। देखो अब देखो ये काफी लीन लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मसल फुलनेस नहीं है। होगा क्या, जैसे ये अगर मसल है, मसल के ऊपर काफी सारा फैट निकाल दिया है, ऊपर हमारी स्किन है, तो अगर मसल फूलेगा और
तो जो स्किन के अगेंस्ट ज्यादा बढ़िया दिखेगा, तो स्किन के ज्यादा बढ़िया दिखेगा तो मसल फुलनेस ज्यादा बेटर दिखेगी। उससे होगा क्या कि मसल की जो लाइंस हैं, जो कट्स होते हैं, वो ज्यादा बेटर दिखेंगे। एक बैलेंस क्या रहता है कि अगर आपने पहले कार्ब लोडिंग नहीं की तो आपको नहीं पता कि कितने कार्ब्स पे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। तो आई गेस ये एक चीज़ है जो रोहित को फिगर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मे बी इनका पहला कॉम्पिटिशन था, तो अब देखते हैं कितने कार्ब्स लेते हैं इसके लिए। लेकिन इनके कोच ऑफकोर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन इनकी बॉडी को अभी वो भी पीक वीक में नहीं जानते। ये है मेरी डिप्लीटेड स्टेट में करंट बॉडी कंडीशन, और बाकी आप कार्ब अप के बाद रिजल्ट देख लेना। ये है मेरी पहली कार्ब अप की मील, पूरा ये बाउल भरा हुआ है चावल से और दाल से। बहुत सारे लोग पिछले एक दो एपिसोड में मैसेज कर रहे थे कि भाई आपका तो साइज कम हो गया, मैंने सोचा छोड़ो भाई, जब कार्ब अप करेंगे तो बिल्कुल सही बात है, वो ऐसा नहीं होता कि मसल निकल गया हो, वो जो डिप्लीटेड स्टेट की बात है। ठीक है, सबकी प्रोसेस अलग होती है, ऐसा नहीं है कि जो हमारी प्रोसेस है वो कोई और फॉलो करेगा, किसी और की प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। सबकी बॉडी अलग होती है तो प्रोसेस भी अलग होगी। लेट्स गो। चावल खाए हुए मेरे को 20 मिनट हुई है, अब मैं उबले हुए आलू खा रहा हूँ, उसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगा, तो खा लेता हूँ भाई। उबले आलू के बारे में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बड़े सारे लोग जब कटिंग करते हैं वो आलूओं से बहुत डरते हैं कि आलू इंसान को मोटा कर देगा, लेकिन एक बात बताता हूँ, आलू एक परफेक्ट कार्ब है कटिंग के लिए। रीजन बीइंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेशियटी इंडेक्स, उसमें आलू का जो इंडेक्स जो स्कोर है वो 300 समथिंग है। उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी 100 ग्राम खाने से आप कितना फुल फील करते हो। कटिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ खाया फुलफिल नहीं किया, तो आलू इज एन अमेजिंग सोर्स फॉर कटिंग, नॉट जस्ट प्री वर्कआउट, नॉट जस्ट कार्ब कंटेंट, लेकिन सेशियटी के हिसाब से। अभी जो फील कर रहा हूँ ना अपनी बॉडी को, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। मतलब मेरी टी शर्ट है ना फटने को हो रही है, ऐसे लग रहा है बॉडी ऐसे बढ़ती जा रही है। कल से है ना मेरे को, सर ये लगा लो इतनी बार कॉल कर चुके कि ये ना रह जाए, ये ना रह जाए, ये हो जाती है, चीजें इतनी सारी हैं इसमें कि ये वाली चीज ना रह जाए खानी, ये वाला सप्लीमेंट ना रह जाए, सब कुछ भाई सब कुछ। सप्लीमेंट के बारे में बात बता देना चाहूंगा कि जब भी आप कटिंग कर रहे हो तो जो फैट बर्नर्स हैं वो बहुत यूज होते हैं, लेकिन आपको ना फैट बर्नर एक टाइप का जैसे एक फैमिली का नाम हो गया, उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं जो सूट करते हैं। दो चीजें हैं जो कि बहुत सही होती हैं, एक कैफीन है और दूसरा यूहम्बाइन है, और यूहम्बाइन मोस्टली एम्प्टी स्टमक यूज होता है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, लेकिन बाकी चलो अभी बात नहीं करते इसका, क्योंकि पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट फैट बर्नर्स मत लीजिए, इंडिविजुअल जो है कंपाउंड्स हैं वो लीजिए, देखिए आपकी बॉडी पे क्या रिएक्ट करता है। कुछ एपेटाइट सप्रेसेंट्स होते हैं, कुछ थर्मोजेनिक्स होते हैं, क्लासिफिकेशन पूरी होती है ये फैट बर्नर्स की। लेकिन इकट्ठा फैट बर्नर का डब्बा डज रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस अंटिल एंड अनलेस प्रॉपर्ली डोज्ड। मेरी बॉडी कंडीशन भाई क्या है वो वर्कआउट के बाद देख लेना कैसे लगी सर। अल्टीमेट ये बिना पंप के दिख रही है, तो पंप के बाद सोचो कहां पहुंचेगी कंडीशन जब पंप के बाद दिख रही है, स्टेज पर पंप करने के बाद ही चढ़ोगे। और अभी तो सर रिलैक्स है, बॉडी रिलैक्स है बिना पंप के। एक्चुअल जो लोडिंग का फर्क दिखेगा वो पंप के बाद दिखेगा। तो बढ़िया भाई वर्कआउट मारते फिर दिखाएंगे। मतलब ये आम जेनेटिक्स हैं, ओवरऑल जेनेटिक्स रिसर्चेस रोहित के बहुत ही बढ़िया। प्री वर्कआउट लेने के लिए ना एक घंटा वेट किया है घर पे था, तो सर से कन्फर्म किया कि सर प्री वर्कआउट ले सकता हूँ, सर ने बोला ले ले, ठीक है। तो सोनिया आ रही थी, सोनिया को बोला, सोनिया एक घंटे में आई, तो भाई प्री वर्कआउट चढ़ गया मेरे को बहुत गंदा। रेडी 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 सर, देखते हैं फिजिक का। चलो भाई दिखाता हूँ कंडीशन, फर्क देखो। मतलब जब ज़्यादा फुलर लगते हो ज़्यादा मस्कुलर लगोगे, और जो कटिंग हो भी ज़्यादा बेटर लग रही है बैक, तो स्मॉल वेस्ट वाइड शोल्डर्स गुड बैक, कंडीशनिंग बहुत अच्छी लग रही है और ओवरऑल फुलनेस अच्छी लग रही है। स्टोरी होता क्या है उसमें, जैसे ये जो कार्ब लोडिंग वाला पार्ट होता है, ए सबसे पहले कार्ब आप सिलेक्ट कीजिए जो आप ऑलरेडी खा रहे हो, आपने कोई नया टाइप का कार्ब सिलेक्ट नहीं करना। बी सिंपल कार्ब्स ज्यादा अच्छे रहते हैं, जो रेगुलर आपके पेट पे पचे भी आराम से, कोई खास दिक्कत ना हो। और सी आपको कितने कार्ब्स खाने हैं कितने नहीं खाने हैं, ये एक बार कार्ब लोड करके कभी पता नहीं चलेगा। अब हो सकता है कि आप इतने कार्ब्स खा लो तो आपकी फुलनेस ज्यादा हो जाएगी, तो कंडीशनिंग में कमी हो जाएगी। अगर कार्ब्स कम खाओ तो आपकी कंडीशनिंग हो सकता है ज्यादा बेटर लगे, लेकिन फुलनेस ना लगे, मस्कुलरिटी बिल्कुल ना लगे। तो ये ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है, इसलिए कोई भी जो अच्छा कॉम्पिटिटर होता है कम से कम 3-4 साल का जब कॉम्पिटिशन एक्सपीरियंस होता है फिर अपनी बॉडी को अच्छे से जानता है। तो विद रोहित आई थिंक ही हैज ऑल द टूल्स, और मैंने पहले ही बोला कि 2-3 साल लगे रहेंगे, ही कैन डेफिनेटली बी अ मेंस फिजिक प्रो। सो गाइस आई होप आपको वीडियो थोड़ी वैल्यू मिली हो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।